पूरे बालों को हम लोगों ने ऑयल कर लिया है। थोड़ा सा जो ऑयल है वो बीच में डालना है और फोरहेड पे हाथ रख के इसे टैप करना है। ये स्कैल्प पे टैपिंग होता है या घिसना होता है। जैसे ही हम लोगों ने ऑयल एप्लीकेशन किया है तो हल्का सा सर्कुलर मूवमेंट्स करेंगे जिसके कारण उसके पोल्स ओपन हो जाएंगे नीचे से ऊपर। क्लाइंट को पूछना है कि प्रेशर कम है या ज़्यादा है। अभी इस बालों में हम लोग कॉमिंग नहीं करेंगे, सिर्फ मसाज करेंगे और वो भी टिप्स के सहायता से ही मसाज करेंगे। आप बोन को लगाना नहीं है। इस प्रोसेस में आपके नाखून पूरे कटे हुए चाहिए क्योंकि अगर आप प्रेशर देते हो टिप से तो आपके नाखून लग सकते हैं। अच्छी तरह से जो प्रेशर पॉइंट्स है उसे दबाना है। क्लाइंट को हर वक्त आपको मिरर में देखना है ताकि आपको पता चलेगा कि इरिटेशन हो रहा है तो आपको एक तो प्रेशर कम करना है या फिर आपको पूछना है। ऑयल को मिक्स करेंगे पूरे स्कैल्प पे और हल्का सा क्लाइंट को रिलैक्स फील हो जाएगा। तो मैम ये जो मसाज का जो प्रोसेस है उसे कितना टाइम तक चलता है ये प्रोसेस? ये 20 मिनट्स आपको करना है ये प्रोसेस। फिर आपको पूरे सर में ऑयल को मिक्स करना है और रिलैक्सेशन करवाना है। इस तरह से आगे के पार्ट में भी जाना है। तो ये पूरा मसाज हो गया है, फिर हेयर में हो गया। थोड़ा सा हल्का मसाज आपको पीठ पे देना है। जैसे 10 से 15 मिनट अगर आपने हेयर पे किया है तो बैक मसाज देना है। बैक मसाज के लिए हल्का सा टेबल पे आपको सर रखना है क्लाइंट के और सर्कुलेशन मूवमेंट्स पे आपको उसे प्रेशर करना है। ये जो ये है हड्डी है यहाँ पे प्रेशर नहीं देना है। अगर आप प्रेशर देते हो तो ये टूट सकता है। तो साइड लॉक्स में जो भी बोन है वहाँ पे आप प्रेशर दे के आ गए हैं। यहाँ पे भी उसी तरह से इसे प्रेशर देना है और ये पूरे मूवमेंट्स जो है वो टॉवल के ऊपर ही होने वाले हैं। तो रिलैक्सेशन करने के लिए धीरे धीरे आपको प्रेशर करना है। ये टैपिंग है, फाइनल स्टेज पे आपको टैपिंग करना है। टैपिंग आप इस तरह से भी कर सकते हो। पूरा मसाज हो जाने के बाद क्लाइंट को अगर वॉश करके जाना है तो हम लोग वॉश करके देने वाले हैं। जो भी उसके शैम्पू है वो शैम्पू हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसे सूट होता है। नहीं तो आप उसे अच्छी तरह से कॉम्बिंग करके और इस तरह से हाथों को थोड़ा सा आँखों के ऊपर रखना है। एक तो वॉश करने के लिए जा रहे हो तो वॉश कर लीजिए। अगर वॉश नहीं करना है तो क्लींजिंग से इसे अच्छी तरह से पोंछ दो या फिर ये जो कॉटन है कॉटन में थोड़ा सा पानी लेके इसे निकालना है। कॉटन इसलिए डालना है ताकि उसके कानों में पानी नहीं जाना चाहिए। इस तरह से कवर करना है क्योंकि अगर आप कवर नहीं करते हो तो पानी यहाँ पे आ सकता है, इसलिए कवर करना है। पहले पूरे बालों में पानी डाल के ऑयलिंग थोड़ा सा निकालना है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि क्लाइंट को कौन सा ऑयल चाहिए, तो क्लाइंट के हिसाब से ऑयल लेने वाले हैं। वैसे ही शैम्पू भी क्लाइंट के हिसाब से लेने वाले हैं। क्लाइंट के बाल देखने हैं और बालों को देख के ही शैम्पू चॉइस करेंगे। ये शैम्पू है, शैम्पू अगर कोई भी आप लेते हो तो उसे डाइल्यूटेड करके लेना है क्योंकि ये अगर शैम्पू आप डायरेक्टली हीट करते हो तो ये माइल्ड नहीं है, बहुत ही हार्ड है, इससे आपके बाल झड़ सकते हैं। तो आधा मग पानी में आप शैम्पू डाल सकते हो और फिर एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करते वक्त आपको स्कैल्प पे हीट करना है।
थोड़ा सा क्लाइंट को शिफ्ट करना है क्योंकि नीचे के बालों पे शैम्पू लगना चाहिए। देख लीजिए, हम लोग घर पे करते हैं तो इस तरह से करते हैं, तो इस तरह से नहीं करना है आपको, हल्के हाथ से करना है। जब भी आप शैम्पू करते हो हेयर ऑयल के बाद, तो दो बार शैम्पू करना है। पीछे के साइड में हम लोगों ने शैम्पू लगाया है तो अच्छी तरह से वो निकलना चाहिए, तो इसलिए क्लाइंट को लेफ्ट राइट थोड़ा सा करना है। आपको चेक करना है, अगर समझो आप शैम्पू करते हो तो बालों से ऑयल निकला है या नहीं निकला है, ये देखने के लिए इसे आपको इस तरह से खींचोगे तो ये इसमें से आवाज आता है। ये कंडीशनर है, देखो ये थोड़ा ठीक होता है और इसमें ये आपको इस तरह से बालों में लगाना है। कंडीशनर इसलिए लगाते हैं कि बालों में हल्का सा शाइन आ जाए, और बार बार जो गूथ हो जाती है ये इजीली आप निकाल सकते हो। ये करने के बाद 2 से 3 मिनट आपको कॉम करना है, अच्छी तरह से कॉमिंग करना है। 2 से 3 मिनट के बाद वॉश करना है। पहले तो जो भी प्रोडक्ट लिया है या शैम्पू लिया है तो शैम्पू कम लिया है तो उसे साफ करना है। तो जो कंडीशनर होता है उसे अच्छी तरह से वॉश करना है, नहीं तो वो बालों में रह जाएगा। कंडीशनर कभी भी स्काल्प पे हीटिंग नहीं करना है, ये स्काल्प है, यहाँ पे कंडीशनर को हीटिंग नहीं करना है। अगर आप हीटिंग करते हो तो ये जो कंडीशनर है ये बहुत ठीक है, तो ये बालों में से निकलेगा नहीं, इसे अच्छी तरह से वॉश करना है। ये ड्रायर है, ड्रायर का नोजल पार्ट हम लोग निकालेंगे और ड्रायर करेंगे। ड्रायर 100% होगा। ड्रायर करते वक्त देखना है कि कौन सी हवा है, डायरेक्टली हीट नहीं करना है आपको, इधर चेक करना है हवा। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा सीरम लगा सकते हो, और इसी तरह से आपको पूरे बालों में ड्रायर करना है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हेड मसाज के जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, स्टेप बाय स्टेप आपने देखा। तो आगे और भी वीडियोज आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।